हेलो दोस्तों, इंडियन मॉम की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं डिशवॉशर में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। और एक प्रोडक्ट है मैं जो आपको बाद में दिखाऊंगी लास्ट में। ये है मेन प्रोडक्ट डिशवॉशर के लिए, ये टैब्स है। इसको आप टैबलेट्स, डिशवॉशर टैबलेट्स भी कह सकते हो। तो ये इस प्रकार दिखता है। तो आप इसका खासियत ये है कि ये आपके डिशेस के स्टेन्स और अच्छे से धोता है और कुछ ग्रीस टाइप हो तो वो डिसॉल्व करता है। तो इसकी खासियत ये है, जैसे नॉर्मल डिशेस को वॉश करने के लिए लिक्विड सोप कैसे इम्पॉर्टेंट है, डिशवॉशर के लिए ये टैब्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और ये टैब्स किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं होता है और आप इसको कवर फाड़ के ही डालना चाहिए, विदाउट कवर फाड़ के नहीं डालना है। तो अभी चलते हैं साल्ट। तो ये है डिशवॉशर का साल्ट और ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है डिशवॉशर के लिए। हर डिशवॉशर को वाटर सॉफ्टनर होता है, जिसे वो वाटर को, वाटर में से लाइम और मैग्नीशियम निकालने का कैपेबिलिटी होता है। और ये डालने से आपका वाटर, हार्ड वाटर है जो वो सॉफ्ट एंड होता है। तो ये इस प्रकार साल्ट क्रिस्टल्स टाइप होता है, दिखने में ऐसे होता है। और इससे फ़ायदा ये है कि ये आपके डिशेस में से वाइट स्टेन्स होते हैं वॉश करने के बाद, वाइट स्टेन्स या सोप के स्टेन्स होते हैं वो अवॉइड करता है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका डिश वॉशर धीरे धीरे से ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए साल्ट इम्पॉर्टेंट है डिश वॉशर के लिए। तो अभी चलते हैं रिनसेट। ये है लिक्विड टाइप होता है, ये ऐसे ब्लू कलर में, मैक्सिमम ब्लू कलर ही होता है, लिक्विड टाइप होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये वाटर स्पॉट्स को क्लीन करता है। वाटर स्पॉट्स आपके डिशेस पे जो वाटर स्पॉट्स होते हैं, कभी कभी होते हैं वाटर स्पॉट्स, तो वो ना आने के लिए होता है। और आपके डिशेस को शाइन देता है, मेनली ग्लास डिशेस को, लाइक ग्लास आइटम्स को। तो आपके ग्लास आइटम्स बिल्कुल भी नए और शाइनिंग टाइप होंगे। और ये एंटी वाटर स्पॉट्स का भी जैसे काम करता है। तो इसकी खासियत ये है। और ये आपको कहाँ पे इंसर्ट करते हैं मैं आपको थोड़ी देर आगे जाके दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और आगे चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट को। और ये प्रोडक्ट है डिओड्रेंट, तो हम एलियो कहते हैं इसको। ये प्रोडक्ट में तो ये हम हैंग करेंगे जस्ट, तो ये ना फ्रेश रिफ्रेश करता है आपके यूटेंसिल्स को। तो ये रेगुलर होना डालने नहीं है। अगर आपका डिश वॉशर थोड़ा सा स्मेल ऐसे कुछ हो तो आप ये डाल सकते हो। तो जस्ट लगा देना है और ख़त्म होगा तो रिफुल्स आप एक्सचेंज लगा सकते हो। तो ये है नॉर्मल लिक्विड, लाइक विम लिक्विड है। तो ये बिल्कुल भी डिश वॉशर में नहीं डालना चाहिए। इसका खासियत ये है, ये बहुत ज़्यादा फॉर्म आपको रिलीज़ करता है वाटर से कंटेंट कॉन्टैक्ट होने से। तो अगर आप गलती से भी डाल दिए ना, तो ये आपको वॉल्केनो टाइप फॉर्म आ जाएगा डिश वॉशर में, और जिस जगह से वाटर जाता है वो ब्लॉक कर देगा। सो चलिए मैं आपको अपना डिश वॉशर दिखाती हूँ। तो ये मेरा डिश वॉशर है, मैंने वॉलपेपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए लगाया था लेकिन किड्स ने फाड़ दिया, सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो यहाँ पे हम टैब्स डालते हैं, यानी कि डिश वॉशर टैबलेट्स, लेकिन विम लिक्विड डालने की गलती बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स, ये वाले टैब्स ही डालते हैं। तो हमें कैसे डालते हैं आपको क्लियरली उन्हें दिखाऊँगी। तो मैंने एक टैबलेट ले लिया और उसको कवर निकालना चाहिए, निकाल के डालिएगा, विथ कवर मत डालिएगा। तो ये कवर के साथ डाल दिया और उसके अंदर ये देखिए, मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ, इसमें डालना है और क्लोज कर देना है। तो अब जब आप ऑन करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो
तो ये डिशवॉशर के सारे बटन से फर्स्ट ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कौन से फीचर से वॉश करना है वो फीचर से डाल के वॉश कर सकते हो। और ये है इसके इंडिकेशंस, ये सारे ये तीन इंडिकेशन है। ये वाटर पंप, अगर वाटर पास नहीं हो रहा तो वो आएगा इंडिकेशन, अगर साल्ट ख़त्म हो गया हो तो ये इंडिकेशन आएगा। ये देखिए मेरे डिशवॉशर में साल्ट ख़त्म हो गया है। और ये है रिंस एड का इंडिकेशन है। उसके बाद आप स्टार्ट बटन दबाना है सब कुछ सेटिंग करने के बाद। अगर आपको कुछ भी पास करना हो तो स्टार्ट बटन 3 सेकेंड्स के लिए दबाओगे तो मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो ये है रिंस एड, तो ये आके यहाँ पे डालते हैं तो ये ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके आप जितना फिल हो उतना क्वांटिटी लिक्विड डाल दो उसमें। और मेरा रिंस एड थोड़ा सा फुल ही है इसीलिए तो थोड़ा सा मैं डाल के आपके दिखा रही हूँ। और क्लोज़ कर लीजिएगा अगर आपका इंडिकेशन आ रहा हो तो ना, तो ये डालने से आपका जो इंडिकेटर दिखा रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली चले जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट साल्ट को। तो साल्ट यहाँ पे डालते हैं, वो आपको टैप निकालना चाहिए। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे डालते हैं। आपको जो इंडिकेशन दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे देखिए उसका मार्क वहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे साल्ट डालते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको डिशवॉशर के साथ मिलेगा या फिर आप ख़रीद भी सकते हो, या नहीं तो आप कुछ नहीं हाथ से ही डाल सकते हो साल्ट। तो मैंने जस्ट साइड्स नहीं गिरने के लिए है, वो उतना कंपलसरी कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए साल्ट यहाँ पे फिल करते हैं। और जब आप साल्ट पूरा सा ऊपर वाटर पूरा फिल कर दीजिए ऊपर तक आने तक, तो आप फिल करने के बाद आपका इंडिकेशन जो दिखा रहा है वो आपको गायब हो जाएगा। अगर गायब नहीं हुआ हो तो एक बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए, तब इंडिकेशन चले जाएगा। ये देखिए वाटर ऊपर आ गया है। और उसका कैप फिर से लगा दीजिएगा। और नॉर्मल साल्ट डालने की गलती मत कीजिएगा। तो इसमें ये देखिए जो इंडिकेटर लाइट दिखा रहा था वो ऑफ हो चुका है क्योंकि साल्ट फुल हो चुका है। थोड़े वॉशिंग मशीन पे ऐसे इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, तो आपको ही ध्यान करके लगाना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे। ये है फ्रेशनर और डियो। तो आपको स्मेल और फ्रेश रहने के है, तो ये रिफिल्स है इसके। अगर इसके फिनिश हो जाए तो आप रिफिल्स लगा दीजिएगा। मैंने यूटेंसिल्स रख के ही ये रख सकते हो आप, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखते हैं। तो ये ऊपर के कंपार्टमेंट में ऐसे हैंग कर सकते हो। अगर आपको हैंगिंग करने कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कोई भी क्लिप लगा सकते हो इसको। तो ये फिनिश हो चुका है, डन। मैंने कहा था और एक प्रोडक्ट भी मैं आपको शेयर करूंगी, तो ये है सोमैट इंटेंसिव मशीन रिजाइजर। तो ये मशीन को क्लीन करता है, हमको मशीन भी क्लीन करना चाहिए मंथली वंस तो भी। तो ये उसका ऊपर का स्टिकर निकाल दीजिए, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आप मशीन में एम्प्टी मशीन में ही रखना है, विथ यूटेंसिल्स नहीं रखना है। तो एम्प्टी मशीन में आप उसको हैंग कर दीजिए। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कैसे हैंग करना है इसको। तो ये रहा इसका हुक, और आप कहीं पे भी ऐसे हैंग कर दीजिए ऊपर कंपार्टमेंट में। डोंट फॉरगेट यूटेंसिल्स नहीं रखना है, तो ये क्लीनिंग के लिए है। तो रखने के बाद आप क्लोज कर दीजिए और ऑन बटन दबा दीजिए, और हायर पे 70% पे इंडिकेशन रख लीजिएगा। सेटिंग कर दीजिए फीचर और ऑन कर दीजिए, स्टार्ट बटन दबा दीजिएगा, तो आपकी मशीन क्लीन हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके और बेल बटन दबा दीजिएगा, ऑल पे रख दीजिए बेल बटन, ताकि मेरे वीडियोस आप देख सके आगे।